शिवसेना की ओर से शुक्रवार शाम को मुमरा में एक विशाल बाइक रैली व सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शिवसेना उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे सहित शिवसेना व भाजपा के तमाम पदाधिकारी शामिल रहे। इस बाइक रैली में श्रीकांत शिंदे अंगार हैं, बाकी सब भंगार हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ऐसे कई प्रकार के नारों की गूंज के बीच यह रैली पूरे मुमरा में घूमी। यह बाइक रैली दत्तुवाड़ी से जब निकली तो रास्ते में कई स्थानों पर श्रीकांत शिंदे का सत्कार किया गया। इसी कड़ी में मुमरा के चर्चित शिव सैनिक समाज सेवक रमेश पाटिल व भाजपा के कुणाल पाटिल ने अपने तमाम समर्थकों के साथ बाबा जी पाटिल वाड़ी में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का काफिला रोककर सत्कार किया। इसके बाद यह रैली एक विशाल जनसभा के रूप में तब्दील हो गई, जिसमें थाने के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे। इस सभा की एक खास बात यह रही कि इसमें सभा शुरू होने से पहले कुछ युवा कलाकारों ने मतदाताओं में जागरूकता के लिए बेहतरीन नृत्य के माध्यम से लोगों से वोट करने की अपील की। इसमें इस कलाकारों में लड़के और लड़कियां दोनों भी शामिल थी, जिसके बाद सभा आरंभ किया गया। इस सभा में उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए दोनों शिंदे पिता पुत्र ने क्या कहा, आइए जानते हैं। और सभा भी आज सभा में भी आप बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हो। आने वाले 29 तारीख को इस चुनाव में इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र के सभी मतदाताओं ने निश्चय कर लिया है, अपना मन बना लिया है। पिछले 2.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 5 लाख के वोटों से जीतेंगे। मैं सब जगह घूम रहा हूँ, सब जाति पाति के मजहब के लोग एक ही नारा दे रहे हैं कि इस बार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को बहुत ही भारी वोटों से हम जिताएंगे। और पिछली बार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे एकदम नया कैंडिडेट था और उस वक्त आप सभी लोगों ने उसको सहयोग किया और उस चुनाव में भारी वोटों से विजयी बनाया। पिछले चुनाव में हम प्रचार करते समय एकनाथ शिंदे के पुत्र, एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे खड़े हैं, वो डॉक्टर है, उसको विजयी बनाओ। लेकिन पिछले 5 साल में उन्होंने खुद की पहचान बनाई है काम के जरिए, विकास के जरिए, और यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने क्या काम किए इसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 543 जो सांसद है, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और उस 543 में यहाँ एक नया चेहरा जाता है, नया सांसद जाता है, रेल का मुद्दा हो, अस्पताल का मुद्दा हो, कई मुद्दे हो, विकास के मुद्दे हो, उसे वहाँ उठाता है, आवाज उठाता है, डॉक्टर का मुद्दा हो और वहाँ बोलने की कोशिश करता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उनके काम के लिए रेल की गाड़ियां है, अभी मुझे यहाँ पर कहा है दीवा से CST शुरू हो गई, अभी मुमरा से भी CST शुरू होनी चाहिए, ऐसी भी मांग आई है। निश्चित रूप से मैं श्रीकांत को कहूँगा इस बारे में कोशिश करिए, मैं भी रेल मंत्री को इस बारे में गुजारिश करूँगा। ऐसे कई काम है जो श्रीकांत शिंदे ने मुद्दे को उठाया है और इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हाल ही में इंडिया टुडे का सर्वे हुआ था, इंडिया टुडे के सर्वे में 543 जो सांसद है, 543 जो MP है, उसमें आपके MP डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का 14वां नंबर है, 14वां। और राज्य में महाराष्ट्र में टॉप 5 में उसका नंबर है, ये हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है। जो मौका आप लोगों ने दिया है उस मौके का फायदा लोगों के सेवा के लिए करने की कोशिश डॉक्टर श्रीकांत शिंदे करता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं जिन लोगों भी पूछता हूँ कि शिवसेना किस तरह दुश्मन है, आपका उसने क्या काम किया है, क्या तकलीफ दी आपको, तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। सन 1966 में जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की बुनियाद रखी तो इसी बुनियाद पर रखी कि जो शिवाजी महाराज
जो यहाँ पे जनता का काम करते थे, शिवाजी महाराज ने जो महाराष्ट्र के अंदर हिंदू भी थे, पठानी थे, सब थे, उसी आधार के ऊपर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की बुनियाद रखी। वही धोरण लेके हमारे उद्धव ठाकरे साहब आगे चल रहे हैं, हमारे शिंदे साहब आगे चल रहे हैं। ना कोई जात देखी जाती है, ना पात देखी जाती है। शिंदे साहब के दरबार में जो भी पहुंचता है उसका काम तुरंत होता है। कुछ ऐसी मिसालें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आज बताया असलम भाई ने कि इंदिरा नगर का कब्रस्तान हो, थाना के मसले हो। मैंने अभी 2 महीने पहले की बात है, तारापुर के अंदर एक मस्जिद का मसला था जिसको कलेक्टर ने तोड़ने का ऑर्डर निकाला था, लेकिन जैसे वो लोग मेरे साथ में आए शिंदे साहब के पास में, शिंदे साहब ने उसको मदद करने के लिए बोला कि जब मंदिर मस्जिद वहाँ पे सब है, गिरजाघर है, तो मस्जिद से क्या तकलीफ है। उस काम को एकनाथ शिंदे साहब ने रुकाने का काम किया। मेरी आप लोगों से अपील, डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे मंचवरी सर्व पदाधिकारी, मुझे मालूम है कि आप लोगों को पुलिस को सुनने की आदत नहीं थी, लेकिन मुझे मालूम है कि मुमरा वाले मुझे सुन सकते हैं। जब मैं मुमरा में है, शायद कोई पुलिस वाला मेरे से ज्यादा नहीं जान सकता है। वही मैं आपको बताना चाहते हैं। आज इस कल्याण लोकसभा से फिर से एक बार चुनाव लड़ने का मौका माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने मुझे दिया है, और गए 5 सालों में आप सभी के आशीर्वाद से इस मुमरा में हो और इस कल्याण लोकसभा में हो। इस पूरे परिसर का विकास कैसे होगा इसके लिए 5 साल काम किया। आज कल्याण में अलग अलग काम जो है वो गए 5 सालों में हुए हैं। आज मुमरा हो, कलवा हो, अमरनाथ हो, रेलवे स्टेशन हो, आज रेलवे स्टेशन पे सिर्फ 2000 करोड़ के काम जो है सिर्फ रेलवे स्टेशन में हुए हैं, रेलवे में हुए हैं। गए 5 सालों में 41 फेरी जो है वो रेलवे की बड़ी है। आज मुमरा की बात करें तो आज मुमरा रेलवे स्टेशन पे आप अगर देखोगे, जाओगे वहाँ पर, तो वहाँ पे अच्छा टॉयलेट बना है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ी है, वहाँ पे लिफ्ट लगाने का काम शुरू है, एस्केलेटर्स का काम हुआ है, और वहाँ पर ही 5वीं और 6वीं लाइन का काम भी जोरों शोरों से शुरू है। तो आने वाले समय में रेलवे से जो सफ़र करते हैं उनको एक अच्छी सुविधा जो है वो रेलवे के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज इस मुमरा में भी जो विकास काम हुए हैं, आज मुमरा में स्टेडियम हो, मुमरा में अस्पताल हो, मुमरा में ये रास्ते हो, ये सब जो हुए हैं वो शिवसेना की देन है। आज शिवसेना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शिवसेना की सत्ता है, और वो सत्ता के माध्यम से आज मुमरा में कई सारे काम जो है इस मुमरा में हमने किए। आज मुमरा में शिवसेना ने कभी भी देखा नहीं कि इस मुमरा में शिवसेना के नगर सेवक नहीं है तो इस मुमरा में हम निधि नहीं देंगे, लेकिन ऐसा न करते हुए जितना थाने में, कलवा में निधि देने का काम शिवसेना के माध्यम से यहाँ पर हुआ है, वही उतना ही निधि जो है इस मुमरा में देने का काम किया है। लेकिन आज क्या हो रहा है यहाँ पर कि मुमरा में वाटर हो, मीटर हो, गटर हो या रास्ते हो, सब कुछ सिर्फ एक ही आदमी कर रहा है, ऐसे आप सभी को गए कई सालों से जताने की कोशिश चल रही है, बराबर है ना। यहाँ पे मुझे लगता है कि इस कलवा हो, मुमरा हो, कुछ भी अगर होता है यहाँ पर तो यहाँ के नगर सेवक भी काम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर खाली एक ही आदमी काम करता है, वो जताता है कि ये सब जो निधि है, ये सब जो काम है वो मैंने खुद ने आकर किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप लोग अगर सांस भी लोगे तो वो आके कहेंगे यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो मेरी ही देन है। आज मुझे लगता है यहाँ के जो आमदार साहब है उन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ पर भाषण किया था कि श्रीकांत शिंदे तो अभी बच्चा है, तो मुझे लगता है कि इस बच्चे से भागने का कुछ जरूरत नहीं थी इस इलेक्शन में। मुझे लगा कल्याण लोकसभा में ये खुद खड़े होने वाले हैं, लेकिन एक बच्चे से वो डर गए। बराबर है, और आज
ऐसी परिस्थिति इस मुमरा में है या कल्याण लोकसभा में है कि पहले तो यहाँ पर उम्मीदवार नहीं मिल रहा था कि किसको खड़े करे। पहले बड़े बड़े लोगों का नाम यहाँ पर आया, दिग्गजों का नाम यहाँ पर आया कि कल्याण लोकसभा में ये लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी का नाम पीछे हटता गया और बेचारे एक आदमी को जिसको कोई पहचानता नहीं है उसको उसके गले में बली का बकरा। लेकिन आज पवार साहब की बहुत बड़ी रैली हुई कल्याण ग्रामीण में, बहुत बड़ी रैली हुई, उसमें पूर्व पालक मंत्री गणेश जी नाइक साहब, अगर चुनाव का माहौल है, सभा होता है तो जो मान्यवर भाषण करने वाले रहेंगे तो वो हमेशा कहते हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है इतनी भारी बहुमत से जीतेगा। लेकिन उन्होंने वहां पर क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये हमारा उम्मीदवार अगर उसका डिपॉजिट जब्त हुआ तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, मतलब जीतने का तो कोई उम्मीद नहीं है और अभी डिपॉजिट तक आ गए। मतलब मुझे लगता है कि इतनी बड़ी रैली आज मुमरा में हो रही है, यहाँ के लोगों को भी रात को नींद नहीं आने वाली है। तो आज इस मुमरा में कई काम जो है इस रेलवे में हुए हैं। आज रेलवे में सुरक्षा जो FOB हो, पांचवी छठी लाइन हो, इस मुमरा का स्टेडियम हो, इस मुमरा का अस्पताल हो, ये सब जो किया है वो पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के मार्गदर्शन में शिवसेना के माध्यम से हुआ है। और उसी के साथ में यहाँ पर 10 साल से मुझे लगता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स करने की बराबर है ना, लोगों को गुमराह करने का काम जो 10 साल से हुआ है। मुझे एक भी काम यहाँ पर बताइए कि जो राज्य शासन के माध्यम से कोई भी अगर निधि यहाँ पर मुमरा में या कलवा में आया है क्या यहाँ पर कुछ, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से निधि आया है वही हमारा निधि है, वही हम काम कर रहे हैं, यही बताने की काम कोशिश हो रही है। आज यहाँ पर कब्रिस्तान का विषय हो, स्लॉटर हाउस का विषय हो, आज लोगों को बड़ी मात्रा में गुमराह करने का काम जो है इस मुमरा में चल रहा है। लेकिन आज यहाँ की आवाम जो है, मुझे लगता है कि आवाम शिक्षित है, आवाम को आज पता चल चुका है कि 10 साल से हमें कौन बेवकूफ बना रहा है। आज यहाँ पर सिर्फ राजनीति कैसे हो, उनका अस्तित्व कैसे यहाँ पर रहे, इसके लिए गए 10 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी यहाँ मुमरा की हवा जो है वो बदलने शुरुआत हुई है कि नहीं, तो मुमरा की हवा जो है अभी मुझे लगता है कि अभी बदलने शुरू हुई है और आने वाले समय में जब इलेक्शन होगा तभी मुमरा में एक अलग परिवर्तन हम सभी को देखने को यहाँ पर मिलेगा। फिर से एक बार आप सभी का यहाँ पर